कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर मोनिका डिवाइन एंजल एकेडमी को और करे अपने अकल टैरो कार्ड कोर्सेज एक्सेट्रा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे परिवार में। मैं हूं डॉक्टर मोनिका मदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह के लिए, जब है दिवाली। सो दिवाली ऐसा एक त्यौहार है जो हम बहुत खुशी से मनाते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड मनाते हैं सब। ये तो ये है, हम बात करेंगे 6 से लेकर 12 नवंबर 2023। तो देखते हैं 6 नवंबर को क्या होने वाला है। 6 नवंबर, सो नवंबर में महागोचर था, बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं नवंबर मंथ में। तो यस, 3 नवंबर को शुक्र कन्या राशि में जी है, 4 नवंबर को शनि मार्गी हुए है, 6 नवंबर को बुध ट्रांजिट करेंगे वृश्चिक राशि में। तो ये मंथ है कि महागोचर वाला मंथ है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटना घटने वाली है, बहुत सारे गोचर होंगे। तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है कि शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे ग्रहों का गोचर होता है हमारे जीवन पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो थर्सडे को, गुरुवार के दिन 9 नवंबर को रामा एकादशी है, 10 नवंबर को है धनतेरस, जिस दिन हम अपने धन की पूजा करते हैं। हम उस दिन मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक चेक बना सकते हैं अपने लिए, मिलियनर अबंडेंस चेक बना सकते हैं। तो इसका आप रिचुअल देख सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे देख सकते हैं। छोटे छोटे ऐसे उपाय दिए जाएंगे जिसका आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम चैनल पे, ये यूट्यूब शॉर्ट्स पे आप देख सकते हैं। 11 नवंबर को काली चौदस है, उस दिन आपको क्या परहेज करना है। काली चौदस की रात है, जिस दिन कहते हैं नरक चतुर्दशी, जैसे उस दिन कहते हैं कि पूरा का पूरा वो रात को, खास करके उस रात को आपको बहुत ध्यान देना है। 12 नवंबर को है दीपावली, लक्ष्मी पूजा जिस दिन हम करते हैं। लक्ष्मी पूजा के भी क्या कर सकते हैं आप अपने घर में के धन की आपकी वृद्धि हो, छोटे छोटे उपाय के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम चैनल के चैनल पे, और यूट्यूब शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं कि अपने धन को कैसे आप बढ़ाया जाए, छोटी सी उपाय से क्या कर सकते हैं आप। तो इस जितना जो ये महीना है, मंथ है कार्तिक मंथ, कार्तिक मंथ शुरू हो चुका है 29 अक्टूबर को, 27 नवंबर को ख़त्म होगा। तो इस महीने आप क्या कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा दीप दान कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं, भगवान विष्णु का नाम ले सकते हैं। जितना आप भगवान विष्णु का नाम लेंगे उतना आपको उसका फल मिलेगा। ये मंथ में आप जितना दीप दान करेंगे, अन्न दान करेंगे, ऊपर वाले के नाम लेते रहे, जो भी भगवान पे आप विश्वास करते हैं उनका नाम लेते रहे, प्रभु का नाम लेने में कोई भी थोड़ी सी भी कंजूसी मत करना। इस मंथ आप जितना नाम लेंगे, कहते हैं ये कार्तिक मंथ इतना इम्पॉर्टेंट मंथ है, इस मंथ में जितना आप ऊपर वाले का नाम लेंगे उसका फल आपको बहुत मिलेगा। तो नाम लेते रहिए, प्रभु का जाप करते रहिए, आप पे कुबेर जी की अगर कृपा बरसती रहेगी, आप ये चीजों का दान करते रहिए, दीप दान, अन्न दान। तो आपको क्या करना है, तो अभी देखते हैं कि हम आने वाला सप्ताह कैसे रहेगा। सबसे पहले 12 राशियों के लिए क्या होगा, कैसे रहेगा। तो कृष्णा, श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। कृष्णा, श्री कृष्ण कहते हैं मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो इच्छा अनुसार हो रहा है, वो मेरे इच्छा अनुसार हो रहा है। सो आपको चिंता मत करना है, जो कुछ आपके साथ जो घटना घट रही है, ऊपर वाला कहता है कि आप चिंता मत करो, जो भी घट रहा है आपके साथ, जो भी आसपास आपके साथ चल रहा है, अच्छा बुरा जो भी चल रहा है, वो मेरे इच्छा अनुसार हो रहा है। तो आप चिंता मत करो, चिंतन करो, मेरा श्री कृष्ण कहते हो मेरा नाम लेते रहो, प्रभु कहता है जो भी प्रभु, जो ये जो है कि आप जितना ऊपर वाले का नाम लेते रहेंगे, जितना आप उनका नाम लेते रहेंगे, चिंता व्यर्थ की चिंता करने से तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। चिंता करेंगे तो उसका आपको कोई समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन चिंतन करेंगे ना तो आपको राह जरूर मिल जाएगी, आपको अपने प्रभु राह जरूर दिखा देंगे। तो राह दिखाने आपके लिए कि आपको कोई भी समस्या है उसका समाधान चाहिए, तो ऊपर वाले का नाम लेते रहिए, आपके आपको अपने आप ही आपके दरवाजे खुल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मेष राशि के लिए समय कैसे रहेगा। तो शुभ दीपावली आप सबको, आने वाला ये दिवाली आपके लिए सबके लिए बहुत बढ़िया रहे, बहुत अच्छा रहे, शुभ रहे, लक्ष्मी जी की कृपा रहे आप सब पर। मेष राशि के लिए समय कैसे रहेगा, तो मेष राशि के लिए 6 नवंबर टू 12 नवंबर मेष राशि, एरीज के लिए समय अच्छा है। जॉब में आपके लिए फाइनेंशियल गुड न्यूज आ सकता है, आप जो सोच रहे हैं वैसा फाइनेंशियल गुड न्यूज आ सकता है, कोई आपको छोटा सा इंक्रीमेंट मिल सकता है, थोड़ा सा प्रॉफिटेबल रहेगा आपके लिए। बिजनेस में आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बिजनेस में आपके लिए
समय बहुत अच्छा है बिजनेस में, जैसे जॉब में आपके लिए फाइनेंशियल इंक्रीमेंट है तो बिजनेस में आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है, बहुत बड़े आपके काम हो सकते हैं, आपने जैसा सोचा था आपको वैसे प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाएगी क्योंकि एम्परर और आपके लिए ये कार्ड जो कह रहा है वो स्टेबिलिटी दिलाएगा आपको बिजनेस में, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप वाइज में आपके लिए इमोशनल अच्छा रहेगा, इमोशनल में आपके लिए अगर आप सिंगल है किसी के लिए वेट कर रहे हैं रिलेशन में तो आपके लिए रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए मौका मिल सकता है, रिलेशन में आप थोड़ा सा आगे जाएंगे और आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए अपने रिलेशन में हो सकता है। और अपने मैरिड वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, मैरिड के लिए समय अच्छा रहेगा, मैरिड में आपको ऐसे लगेगा कि यस आपके लिए ये हैप्पीनेस रहेगा, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, खुशियां रहेगी घर परिवार में, हेल्थ आपकी बढ़िया रहेगी, हेल्थ में आपके लिए थोड़ा सा जो थोड़ी सी बाधा आ रही थी, जो रुकावट थी, जो हेल्थ में थोड़ी समस्या थी, जो भी तनाव भी था वो भी आपको उसमें राहत मिल जाएगी, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, घर परिवार में सुख आनंद रहेगा आपके लिए, आने वाला समय ये आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ में भी अच्छा रहेगा, वेल्थ में भी अच्छा रहेगा, आपके लिए समय अच्छा है 6 to 12 November 2023। तो आपको क्या करना है, लकी नंबर है 5, कलर है आपके लिए टर्कोइज ग्रीन, आपको डेली सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य को जब आप जल चढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ा सा रोली, थोड़ा सा अक्षत डालिए और थोड़ा सा गुड़, ये तीन चीज़ डाल के आप थोड़ा सा और सूर्य को जब भी आप जल चढ़ाएं तो ध्यान दें कि नीचे कोई पौधा हो आपके घर में, जो भी पौधा है उसमें आप पौधा रखिए, पानी नीचे जाएंगे तो आपकी एनर्जी, जो भी आप सूर्य को जल चढ़ाते वो एनर्जी आपकी ड्रेन हो, तो आपको पौधा ज़रूर ध्यान रखें कि घर में पौधा हो, और आपको ग्रीन कलर का ग्रास या पालक हो सके तो गाय को आप जरूर खिलाए, डेली ये करें उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। वृषभ राशि टॉरस के लिए समय कैसे रहेगा 6 November to 12 November। जॉब में आपके लिए जो एक्सपेक्टेशंस है जैसा आप सोच रहे थे ऐसा एक्सपेक्टेशंस आपने रखा है तो आपके लिए समय जॉब में अच्छा रहेगा, जॉब में आपने जो एक्सपेक्ट किया था आपके लिए लवर्स कार्ड है तो आपके लिए एक्सपेक्टेशन जॉब में अच्छा है, आपको सपोर्ट मिल जाएगा, कलीग्स का सपोर्ट मिल जाएगा, आपको ऐसे लगेगा हर तरफ से आपकी जो बातें हैं हर तो कोई आपकी बॉसेस आपके सुपीरियर्स आपकी बॉसेस सुन रहे हैं और आपको जॉब में आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको अगर थोड़ा सा ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, आपको ये भी चांस मिल सकता है कि अगर आप जॉब चेंज चाहते हैं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए, कोई जॉब चेंज चाहते हैं तो आपको जॉब चेंज का भी मौका मिल सकता है, अभी आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है जो आपके लिए फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो आप ये अपॉर्चुनिटी पे आप भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं इसके बारे में कि ये अपॉर्चुनिटी क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बिजनेस में आपके लिए समय बहुत अच्छा है, बिजनेस में आपके लिए ग्रोथ होगा, बिजनेस में आपके लिए इतना सक्सेसफुल है, फाइनेंशियल आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आएगा, अबंडेंस रहेगा, सो आप अगर व्हीकल खरीदना चाहते हैं या आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए समय आपको फेवर करेगा, तो आपको गुड न्यूज़ आपके लिए फाइनेंशियल इतना अबंडेंस है कि बिजनेस में आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है और आप इसके कारण कोई आपके लिए गुड खरीद सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे भी जा सकते हैं, ऐसा आपके लिए बहुत अच्छा समय है। रिलेशनशिप वाइज आपके लिए बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप वाइज में एक दूसरे को समझ सकते हैं, न्यू बिगनिंग है न्यू रिलेशनशिप में अगर आपके लिए, अगर आप रिलेशनशिप को नाम देना चाहते हैं आगे लेके जाना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए तो यस आपके लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा है, तो रिलेशनशिप भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा और रिलेशनशिप में भी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ में थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा, हेल्थ में आपको थोड़ा सा आपको घबराहट रहेगा, थोड़ा सा हेल्थ को आपको ध्यान देना है, लेकिन ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, सिर्फ आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, लकी नंबर है 4, कलर है आपके लिए ब्राउन एंड ग्रे, आपको डॉग्स को डेली आपको दूध पिलाना है, मिल्क डेली करना है, ये उपाय फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेल्थ, और आपको लाल कलर का दाल रेड मसूर की दाल आपको डोनेट करना है, किसी भी जरूरतमंद को आप डोनेट कर सकते हैं, ये भी आपको डेली ये उपाय करना है फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेल्थ, और जो भी ऊपर वाले का नाम लेते हैं आप प्रभु का नाम लेते रहिए, जाप करते रहिए। देखते हैं मिथुन राशि जेमिनी के लिए वक्त कैसा है 6 November to 12 November 2023।
आपके लिए थोड़ा सा समय जॉब में आपके लिए अगर है तो आपके लिए जो अप्रिसिएशन आपको चाहिए वैसा थोड़ा सा अप्रिसिएशन तो मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए बैकस्टैबिंग भी हो सकता है, कोई ना कोई आपको थोड़ा सा रुकावट भी डाल सकते हैं आपके काम में, थोड़ा सा आपको जॉब में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो जॉब में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि कोई आपका काम खराब कर रहा है, तो जॉब में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि आप थोड़ा सा निग्लेक्ट ना करें, कोई भी ऐसे पेपर वर्क में घाई से साइन मत कर लेना कि आप कहाँ से ब्लेम में आ जाएंगे, तो आप पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है। बिजनेस वाइज आपके लिए जो मूवमेंट है, जो आप गुड न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल कोई गुड न्यूज आ सकता है, आप जो जाना चाहते जो कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपके लिए स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन थोड़ी सी स्टेबिलिटी में थोड़ा सा आपको बिजनेस में स्लोअर दिखेगा, लेकिन आपके लिए है सक्सेस मिलेगा, लेकिन सडन आपके लिए बाउट ऑफ गुड न्यूज आएगा, फाइनेंशियल गुड न्यूज आएगा, तो आपके लिए स्मॉल बिजनेस के लिए अबंडेंस आते रहेगा। तो आपके लिए ये वीक में आप जितना हार्डवर्क एफर्ट डाल रहे हैं उतना नहीं आएगा, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर, आप जो इतनी हार्डवर्क है उसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो सडन आपके लिए कहाँ से कुछ सडन सक्सेस आ सकता है, सडन कोई गुड न्यूज़ आ सकता है, सडन आपके लिए कोई इंटरनेशनल कोई या कोई ऐसा काम हो सकता है, बन सकता है आपका जो आपने सोचा नहीं, आउट ऑफ द ब्लू आपके लिए कोई ऐसा काम आ सकता है। तो आपके लिए जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क पुटअप करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपके काम बनते रहेंगे। रिलेशनशिप वाइज में थोड़ा सा दरार रहेगा, रिलेशनशिप वाइज में थोड़ा सा आप समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिए एक दूसरे को, क्योंकि एट प्रेजेंट आपके बीच में रिलेशनशिप में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेकर ही आनी है, क्योंकि रिलेशनशिप के कारण आपके लिए माइंड में थोड़ा सा रिलेशनशिप में थोड़ा सा तनाव बना हुआ रहेगा, रिलेशनशिप में तनाव दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको जितना भी आप रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रिलेशनशिप में ऐसा है कि एक दूसरे को आप अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं और आप एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते या समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा तनाव है। हेल्थ वाइज आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल है, हेल्थ वाइज में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, हेल्थ वाइज भी आपके लिए डाउन है आपकी हेल्थ, थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा, थोड़ा सा आपका हेल्थ इम्यूनिटी प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा सा हेल्थ आपका नरम गरम रहेगा, तो आपको हेल्थ पे भी ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है फॉर गुड हेल्थ एंड वेल्थ, आपके लिए लकी नंबर है 2, कलर है आपके लिए सिल्वर एंड वाइट, आपको व्हाइट कलर की चीज़ों का दान देना है जितना हो सके, आप व्हाइट कलर की चीज़ों का, सफ़ेद वस्तुओं का दान देना है, व्हाइट कलर की मिठाई हुई, व्हाइट कलर का राइस जैसा हुआ, जिस कुछ भी आपको सफ़ेद चीज़ों का, व्हाइट कलर का क्लॉथ हुआ, जितना व्हाइट कलर का चीज़ों का दान देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप पक्षियों को आपको दाना खिलाना है डेली, आपको ये करना है फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। और जो भी भगवान पर विश्वास करते हैं उनका जाप करते रहिए, नाम लेते रहिए। कैंसर 6 नवंबर टू 12 नवंबर 2023। कैंसर वालों के लिए आपके लिए जॉब में आपका हार्ड वर्क जो भी है आपके लिए फाइनेंशियल कोई गुड न्यूज आएगा, जॉब में आपके लिए नाम होगा, जॉब में आपका बहुत अच्छा समय है, वर्क लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, आपने जितनी हार्डवर्क की है फाइनेंशियल आपके लिए उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। फाइनेंशियली आपका समय बहुत अच्छा है, सपोर्ट है आपको हर जगह से, सपोर्ट मिलेगा आपके सुपीरियर्स का, आपके कलीग्स का, आपके सराउंडिंग्स में आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और फाइनेंशियली आपका ऐसा समय है कि आप जॉब में है लेकिन तो भी आपको अपने कलीग्स को हो सकता है, आप अपने कलीग्स को अपने इसको हेल्प कर सकते हैं, किसी को आप फाइनेंशियल थोड़ा सा हेल्प कर पाएंगे अपने कलीग्स को, अगर किसी ने आपसे थोड़ी हेल्प मांगी तो आपके लिए वो समय है। बिजनेस वाइज आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बिजनेस में आपके लिए सन कार्ड है, पार्टी कार्ड है, तो आपके लिए बिजनेस में अच्छा कोई काम होगा, बिजनेस में आपके लिए मेजर कोई खुशखबरी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा डील हो सकता है, बहुत बड़ा आपके लिए फाइनेंशियल आपके लिए बहुत बड़ा काम आ सकता है, जिसके कारण आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो आपके लिए बिजनेस में आपके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, मुनाफा दिख रहा है, तो आपके लिए अबंडेंस है अपने बिजनेस में, प्रॉस्पेरिटी दिख रहा है आपके लिए, हार्डवर्क आपका पे ऑफ होगा, जितनी आपने मेहनत की है उसका आपको फाइनेंशियल गुड रिजल्ट दिखेगा। रिलेशनशिप वाइज में थोड़ा सा समय स्लो है, रिलेशनशिप वाइज आपके लिए रिलेशनशिप वाइज में एट प्रेजेंट कुछ ना कुछ पीछे से आपकी बातें हो रही है, कुछ ना कुछ बैक स्टैबिंग हो रही है, या कुछ ऐसी बातें हैं कि सामने आपको कुछ और दिख रहा है और पीछे से कुछ और हो रहा है, तो आपको रिलेशनशिप में अगर थोड़ा सा डाउट है तो शायद आपका डाउट सही है। मैरिड में भी आपके लिए थोड़ा सा रिलेशनशिप में कोई दरार है तो आपको थोड़ा सा वो ध्यान देना है, कुछ कुछ बातें हिडन है आपसे तो आपको थोड़ा सा टेक केयर करना है।
आप ले जो भी आपके लिए, जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आप समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं, तो अपने जो समझ रहे हैं ना उस पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या दिख रहा है। जो सिंगल है, जो कंफ्यूज है अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो कोई भी आप अभी मेजर डिसीजन नहीं लीजिए, क्योंकि आपको सही जवाब आ रहा है कि आपको ये डिसीजन नहीं, ये सही है कि नहीं है, तो आपके लिए वो जो भी आपको अंदर से जवाब आ रहा है आपका सही है वो जवाब। हेल्थ वाइज आपके लिए थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान देना है, हेल्थ में आपको स्टमक पे थोड़ा सा ध्यान देना है, हो सकता है इंडाइजेशन का थोड़ा सा इशू हो, तो आपको अपने स्टमक पे थोड़ा सा ध्यान देना है, स्टमक और पैरों पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है हेल्थ पे आपके लिए। आपको फॉर गुड हेल्थ एंड वेल्थ क्या करना है, लकी नंबर है 5, कलर है आपके लिए टर्कोइज ग्रीन। आपको खीर पका के, राइस मिल्क एंड शुगर, इनका खीर पका के आपको दान करना है, ज़रूरतमंद को जितना हो सके आपको डोनेट करना है फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। लियो सिंह राशि 6 नवंबर to 12 नवंबर, आपके लिए जॉब में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आती भी है, आपके लिए प्रोजेक्ट्स आते भी है, लेकिन आपके हाथ से ले लिए जाते हैं, तो आपको केयरफुल रहना है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाते हैं जो आपके लिए, आपको पता है कि वो प्रोजेक्ट में कोई दम ही नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अपना पुटअप करना है, आपको बात करना है, क्योंकि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, तो ये आपके ध्यान बार बार आपके साथ हो रहा है, आप समझ भी रहे हैं लेकिन आपको ऐसे लगता है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे फिलहाल आप एट प्रेजेंट, तो आपके लिए बार बार ऐसा ये सिचुएशन आ रहा है और अभी भी ऐसा रहेगा कि आप जो सोच रहे हैं कि आपको ऐसा प्रोजेक्ट आना चाहिए, वैसा कोई प्रोजेक्ट आ नहीं रहा है आपको काम में, तो आपके लिए थोड़ा समय स्लो है, जॉब में थोड़ा सा समय स्लो है, जितना आप हार्डवर्क कर रहे हैं, जितना आप कैपेबल है, वैसा आपको काम नहीं दिया जा रहा है। सो आपको ये हार्डवर्क के वजह से आपको थोड़ा सा मायूसी है जॉब में, तो आप उसके कारण सोच रहे हैं कि न्यू जॉब या न्यू चेंज चाहिए आपको, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा समय स्लो चल रहा है आपके लिए, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। बिजनेस वाइज आपके लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस वाइज में आपको सक्सेस मिलेगा, बिजनेस में आपके लिए बहुत सन कार्ड है, फिनेंशियल कार्ड है, तो इसके लिए बिजनेस में आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, बिजनेस में आपके लिए जो भी है आपका बैकग्राउंड, आपकी स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, फाइनेंशियल आपको स्टेबिलिटी होगी, फिनेंशियल आपके लिए बैकिंग बहुत अच्छी मिलेगी, हो सकता है अगर आप कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं तो आपको इन्वेस्टर मिलने के भी चांसेस है अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो बिजनेस में आपके लिए समय बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप वाइज में भी आपके लिए समय अच्छा है, रिलेशनशिप वाइज में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो रिलेशनशिप में थोड़ा सा जो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आप एक दूसरे को, आपको बाहर जाना है और आपके पार्टनर को नहीं जाना है, ऐसे कुछ बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो वो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स सेटल हो जाएंगे। और लव रिलेशनशिप में भी आपको न्यू बिगनिंग हो सकता है, तो हर तरह से न्यू बिगनिंग है, रिलेशन मैरिड वालों के लिए भी रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और रिलेशनशिप में सुधार आ जाएगा। हेल्थ वाइज आपके लिए, हेल्थ में आपकी एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी, हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, घर परिवार में थोड़ा सा हेल्थ का इशू रहेगा, फाइनेंशियल थोड़ा सा खर्चा होगा हेल्थ पे, लेकिन अब अदरवाइज आपकी हेल्थ खुद की अच्छी रहेगी। तो आपको क्या करना है फॉर गुड हेल्थ एंड वेल्थ, लकी नंबर है 4, कलर है ब्राउन एंड ग्रे। आपको जो किन्नर होते हैं ना उनको डोनेट करना है, जो भी आपसे बन पड़े उनको डोनेट करना है फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। और आपको डॉग को, कुत्तों को, आपको जो भी बन पड़े आपको खिलाना है, डेली खिलाना है फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। और जो भी भगवान पे आप विश्वास करते हैं उनका जाप करते रहिए, नाम लेते रहिए प्रभु का। वर्गो, कन्या राशि 6 नवंबर to 12 नवंबर 2023, वर्गोस के लिए जॉब में बहुत अच्छा समय है, न्यू बिगनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जो आप सपने देख रहे हैं वैसे कोई आपके लिए प्रोजेक्ट आ सकता है, आपके लिए वैसा कोई जॉब का ऑफर आ सकता है, जो आपने सोचा है वैसा आपको कुछ मिल सकता है, जो आपने सपने देखे थे, तो जॉब में आपके लिए न्यू ग्रोथ है, न्यू आपके लिए अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है आपके बॉस या आपके जो भी आपके कलीग है जो भी आपके लिए बहुत अंडरस्टैंड करेंगे, और आपके लिए नया बिगनिंग हो सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आपको, करंट जॉब में भी आपके लिए कुछ ट्रांसफर चाहिए वैसा आपके लिए मनचाहा मिल सकता है आपको।
आपके ही इसमें बैठे हैं शुक्र और केतु का योग बन रहा है, तो आपके लिए जितना ये समय आप अपना कर सकते हैं, अपना सेल्फ डेवलप कर सकते हैं, आध्यात्मिक में रुचि ले सकते हैं, आपके लिए समय कह रहा है आपको। बिजनेस में आपके लिए है, दो बिजनेस में आपके लिए क्राइसिस भी है, स्टार कार्ड भी है, तो बैलेंस हो जाएगा बिजनेस में। अगर आपका कोई कारण से क्राइसिस चल रहा है अभी, कोई भी आप कितने भी आप चाकर भी इतना आप उसको लेकर नहीं जा, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा होगा। स्टार कार्ड कह रहा है कि यस, बिजनेस आपके लिए प्रॉस्पर कर लेगा, आप सिचुएशन संभल जाएगी आपकी। किसी कारण से आपकी सिचुएशन नहीं संभल रही थी, तो अभी आपकी सिचुएशन संभल जाएगी। ऑटोमेटिकली आपके लिए यूनिवर्सल सपोर्ट मिल जाएगा, आपको डिवाइन सपोर्ट मिल जाएगा और आपके काम बन जाएंगे, आपके लिए हर तरह के काम बन जाएंगे आपके लिए। जो भी आपके लिए थोड़ा क्राइसिस है, कोई भी कारण से आपको ऑब्स्टिकल आ रहा है काम में, तो आपके लिए वो भी आपको राहत मिल जाएगी, कोई ना कोई समाधान आपको मिल जाएगा। रिलेशनशिप वाइज में थोड़ा सा समय आपका वीक है, रिलेशनशिप वाइज में जिन थोड़ा सा आपके लिए एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, रिलेशनशिप वाइज आपका थोड़ा सा समय अंडरस्टैंडिंग में कमी है थोड़ी। रिलेशनशिप में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक दूसरे को, रिलेशनशिप पे काफ़ी लो फीलिंग है, तो आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा वक्त देना है, थोड़ा सा समय देना है। रिलेशनशिप आपको इस रिलेशनशिप में आपको काफ़ी हर्ट फीलिंग अंदर है, तो आपको जो भी है वो आपको हर्ट फीलिंग से निकल के आपको समझना है, क्योंकि रिलेशनशिप आपका थोड़ा सा वीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप में आपको काफ़ी किसी ना किसी अपने पार्टनर से ही आपके लव रिलेशन में आपको थोड़ा सा हर्ट फीलिंग है। हेल्थ वाइज आपके लिए समय थोड़ा सा हेल्थ आपके लिए सही नहीं है, हेल्थ का आपको ध्यान देना है। एनर्जी लेवल खास करके आपकी लो रहेगी, तो आपको अपने एनर्जी पे थोड़ा सा वर्क करना है। जो भी आप एनर्जी पे जितना वर्क कर सकते हैं, आपके एनर्जी पे आपके माइंड खास करके कन्फ्यूज है कि क्या करना चाहिए, तो माइंड पर जितना हो सके माइंड को आप निरंतर मिले, स्टेबिलिटी लेकर आए माइंड पे, क्योंकि माइंड आपका स्टेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड में अगर आप देखेंगे तो ग्रहण जैसे दिखता है, तो जब ग्रहण होता है माइंड में तो कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन पैदा करता है, तो प्रेजेंट आपके माइंड में कन्फ्यूजन है, हेल्थ में कन्फ्यूजन चल रहा है। तो बेसिकली एवरीथिंग इज इन द माइंड, आपके हर चीज़ आपके माइंड में है। माइंड को शांत कीजिए, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जो आपसे बन पड़े वो करिए, अपने माइंड को शांत कीजिए, तो ही आपके मानसिक तनाव से ही आपका एंटायर आपका बॉडी आपके सब रिलेशनशिप उस पर असर पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है फॉर गुड हेल्थ एंड वेल्थ, लकी नंबर है 2, कलर है सिल्वर एंड वाइट। आपको मिल्क डोनेट करना है जरूरतमंद को, और पक्षियों को आपको दाना खिलाना, जितना हो सके 7 तरह का अनाज खिलाइए पक्षियों को, 7 तरह का मिक्स करके अनाज रखिए और पक्षियों को जितना हो सके डेली खिलाइए फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। और जो भी भगवान का आप नाम लेते हैं, जाप करते रहिए, नाम लेते रहिए उस प्रभु का। लिब्रा 6 नवंबर टू 12 नवंबर 2023, लिब्रा के लिए समय जॉब में है, जो आपने हार्डवर्क किया है, आपने कुछ नया कुछ सीखा है, जो नॉलेज लिया है उसके लिए आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है, आपके लिए काफ़ी उसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिला है, आपका नाम हुआ है आपके कंपनी में, तो जॉब में आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपके हार्डवर्क आपका जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने टैलेंट लिया है, उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और आपके लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको सीखना चाहिए, आने वाला समय कहता है कि आप कुछ नया कुछ सीख सकते हैं, कुछ नया टैलेंट ले सकते हैं, कि आपको कुछ या आप कोई हो सकता है किसी ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। आपके लिए समय कह रहा है कि आप ट्रेनिंग के लिए भी जाना चाहते हैं तो ट्रेनिंग पे जा सकते हैं, कुछ नया आपके लिए चेंज हो सकता है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, जॉब में आप जो भी चेंज चाहते हैं, जो भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। बिजनेस में आपके लिए समय अच्छा है, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप चल रहा है तो बिजनेस पार्टनरशिप में आपको प्रॉफिटेबल रहेगा आपके लिए, बिजनेस में आपके लिए समय अच्छा है बहुत, और बिजनेस में आपके लिए बहुत मुनाफा, बिजनेस में आपके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, बिजनेस में आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और कुछ आपको नया एक्सपैंड करने का भी मौका मिल सकता है। इन्वेस्टर अगर आपको कोई ढूंढ रहे थे अगर इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो भी मिल सकता है। आप एक्सपेंशन करना चाहते थे या पार्टनर ढूंढना चाहते थे, तो अभी आपके लिए सही समय है पार्टनरशिप करने के लिए, नया लेने के लिए पार्टनरशिप। रिलेशनशिप वाइज आपके लिए थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज में थोड़ा सा समय दीजिए, रिलेशनशिप वाइज में थोड़ी सी एनर्जी लेवल, थोड़ा रिलेशनशिप वाइज में रोमांस थोड़ा सा कम दिख रहा है। रोमांस थोड़ा सा जितना कम होता है
तो आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग कम है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रोमांस कम दिख रहा है। रोमांस पे ध्यान दीजिए, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए। जो सिंगल है, जो वेट कर रहे हैं, उनके लिए रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मैरिड वालों के लिए रिलेशनशिप में रोमांस कम है। तो अपने रोमांस पे ध्यान दीजिए, वर्क ऑन योर लव रिलेशनशिप। हेल्थ वाइज आपके लिए हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ में आपके लिए समय अच्छा है। हेल्थ में आपने जितना अपने हेल्थ पे मेहनत किया, अगर आप प्रेगनेंसी का सोच रहे हैं तो अपने के प्रेगनेंसी के लिए अच्छा समय है। प्रेगनेंसी के लिए आप कर सकते हैं ट्राई कर, आपके लिए ये समय आपके लिए फेवरेबल है। आपको क्या करना है फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। लकी नंबर है 5। कलर है आपके लिए टर्कोइज ग्रीन। आपको डेली सूर्य को जल अर्घ्य करना है, और सूर्य को जब आप जल अर्घ्य करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि उसमें आप थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा रोली और थोड़ा सा अक्षत, और जब भी आप अर्घ्य करते हैं तो वो पानी आपके पौधे, घर के में कोई पौधा रखी है तो पौधे पे गिर रहा है, ऐसे आप अर्घ्य करेंगे तो आपके लिए आपकी जो भी आप ऊर्जा है, सूर्य हमें ऊर्जा देते हैं, सूर्य इज नोन एज द किंग ऑफ द प्लैनेट्स। तो आपको जो ऊर्जा है, जो आप जो एनर्जी मिलती है, और ओम सूर्य नमः कह के आप ये सूर्य को डेली जल अर्घ्य करें फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। और आपको चना, गुड़ और चना आप गाय को खिला सकते हैं या किसी को दान कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा आप कर सकते हैं फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। और जो भी भगवान पर विश्वास करते हैं उनका जाप करते रहिए, नाम लेते रहिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि 6 नवंबर टू 12 नवंबर 2023। जॉब में आपके लिए समय अच्छा है। जॉब में आपके लिए सुपीरियर का, बॉस का बहुत अच्छा समय साथ मिलेगा। अगर आप चाह रहे हैं प्रमोशन, तो आपके लिए प्रमोशन होने के लिए भी साथ मिल सकता है, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। तो जॉब के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जॉब आप चेंजेस जो चाहते थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चेंजेस, वो आपको चेंजेस हो सकता है। सो बुध ट्रांजिट होने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं आपके राशि में। सो आपके लिए काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। तो आपके लिए होगा कि आपके आपके इसमें कि आपको जो भी जॉब में है, जो भी जॉब करते हैं, करियर में आपके लिए काफ़ी ग्रोथ दिखता है। जो भी आप प्रमोशन चाहते हैं, जहाँ भी आप चाहते हैं वैसा आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपके लिए समय आपको फेवर कर रहा है। बिजनेस में समय आपके लिए थोड़ा सा स्लो होगा। बिजनेस में आपका थोड़ा डिसीजन में आपकी थोड़े से डिसीजन आपकी सही नहीं होगा, इसके कारण थोड़ा सा आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन थोड़ा जैसा आपने मुनाफा सोचा था वैसा उतना मुनाफा आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी आप डिसीजन लें सोच समझ के लीजिएगा। जो भी आप सोच रहे हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या बिजनेस में कोई भी आप कोई भी चीज़ को कमिट करना है, तो सोच समझ के कमिट कर लीजिएगा। शायद आप वो कमिटमेंट में पूरा नहीं कर पाएंगे, तो कमिटमेंट मत दीजिएगा। अगर आप वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे तो आपको अपने बिजनेस पर थोड़ा सा अलग ध्यान दे के काम करना है। रिलेशनशिप वाइज में थोड़ा सा आपका रिलेशनशिप वाइज समय डाउन है। रिलेशनशिप पे थोड़ा सा वर्क कीजिए अपने रिलेशनशिप वाइज में शायद एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप दोनों के बीच में, तो आपको अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देना है। हो सकता है तो किसी की गाइडेंस ले लीजिए, किसी की सलाह लेकर अपने रिलेशनशिप को बचा लीजिए या संभाल लीजिए अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, कच्चे धागे से बंधे हुए रहते हैं। तो कभी भी जल्द और उससे कितनी भी गांठ बांधो वो जुड़ते हैं, लेकिन वो गांठ ज़रूर दिखती है उसमें। तो आपको अपने रिश्तों पर थोड़ा सा वर्क करना है। हेल्थ वाइज आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान देना है। हेल्थ आपकी थोड़ी सी डाउन रहेगी, हेल्थ आपकी थोड़ी सी वीक रहेगी, तो आपके अपने हेल्थ का आपको जितना हो सके आपको टेक केयर करना है हेल्थ का। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा क्या करना है। आपके लकी नंबर है 6। कलर है आपके लिए ट्रांसपेरेंट पिंक। आपको हर सुबह उठ के मेन डोर को क्लीन करना है। अपने मेन डोर को क्लीन करके आपको खीर पका के उस दिन दान देना है। डेली आपको करना है फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। मेन डोर घर के मुख्य द्वार से कहते हैं कि नेगेटिविटी, अगर आप छोटे छोटे शॉर्ट देखेंगे तो उसमें हमेशा कहती हूँ कि मुख्य द्वार हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा वहां से आती है, तो अपने मुख्य द्वार को आपको डेली क्लीन करना है। डेली आपको क्लीन करना है, खुद क्लीन करना है, खास करके वृश्चिक राशि वालों के लिए फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके वेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। और आपको उसके बाद आपको खीर पका के उसको डेली आपको दान करना है फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। और जो भी भगवान का आप नाम लेते हैं, नाम लेते रहिए, जाप करते रहिए।
धनुराशि सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए जॉब में बहुत अच्छा समय है, ग्रोथ है आपके जॉब में, आपको जो भी ट्रांसफर या प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिल सकता है और मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। फाइनेंशियल आपके लिए रेज हो सकता है, फाइनेंशियल आपके लिए अगर आप चेंज चाहते हैं जॉब में, अगर आप जॉब चेंज करके दूसरे जॉब में चेंज चाहते हैं या आप दूसरे कंट्री में ट्रांसफर मांग रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। आपके लिए न्यू ट्रांसफर, न्यू जॉब, न्यू चेंज, कंट्री चेंज, हर चीज पॉसिबल है। अभी आपका समय बहुत स्ट्रांग है, फेवरेबल है आपके लिए, तो आपके लिए समय आपको फेवर कर रहा है। आप जो भी आपको जॉब में, आप जो भी आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस में आपके लिए अच्छा ग्रोथ है। रिलेशनशिप के कारण, आप रिश्तों के कारण, आप अपने रिलेशनशिप के कारण अपना बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रोथ देते हैं। आपका रिश्ता, आपको आपके जो रिश्ते हैं आप बहुत अच्छे रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, इस रिश्ते के कारण आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। तो आपकी बातों से, आपकी वाणी से आप अपने रिश्ते को बहुत अच्छा संभालते हैं, तो रिश्तों के कारण आपके लिए, आपके जो भी आपसे बिजनेस करता है वो आपके रिश्तों के कारण आपसे बिजनेस करता है और आपके लिए सक्सेसफुल रहता है। तो आपके लिए जो भी आप चाहते हैं सपोर्ट मिल जाएगा आपको किसी का, किसी से जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको किसी का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे या किसी से आप पूरा आपका मेन है कि वो बिजनेस ही आपका उधर से आता है, तो वहाँ से आपके लिए और भी आपके लिए स्ट्रांग स्ट्रेंथ रहेगा आपको और बिजनेस आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। जहाँ से भी आपको मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपके रिश्ते के कारण ही आपको बिजनेस मिलता है। तो आप अपने रिश्तों को हमेशा मेंटेन रखते हैं तो इसके कारण आपको और भी बिजनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्वेस्ट करना है या आपको एक्सपैंड करना है अपने बिजनेस पार्टनर के, बिजनेस पार्टनर अगर आपके है तो या बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपको वो मिलने के भी चांसेस है। रिलेशनशिप वाइज आपका थोड़ा सा, थोड़ी सी मायूसी है, कोई ना कोई बात में आपकी थोड़ा चल रहा है कहाँ सुनी, लेकिन ओवरऑल आप बैलेंस कर लेंगे, ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा आपका सिचुएशन। कोई ना कोई बात को लेके, कोई ना कोई बात को लेके आप निराश है, कोई ना कोई बात को लेके थोड़ा सा मायूसी है, लेकिन ओवरऑल आप अपने सिचुएशन को संभाल लेंगे, बैलेंस कर लेंगे रिलेशनशिप को। जो सिंगल्स हैं या जो रिलेशनशिप में है वो भी अपने रिलेशनशिप को कहाँ ना कहाँ से बैलेंस करके मैनेज कर लेंगे, संभल जाएगा आपका रिलेशनशिप। थोड़ा सा डगमगाएगा लेकिन संभल जाएगा। एट द एंड ये वीक में आप अपने रिलेशनशिप को संभाल लेंगे, दिवाली है। हेल्थ वाइज ओवरऑल आपकी हेल्थ, थोड़ी सी हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान देना है, हेल्थ में थोड़ा सा नरम गरम रहेगा। हो सकता है घर के कोई बड़ों का, खास करके मदर या ग्रैंड मदर किसी के हेल्थ को थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है आपके घर के हेल्थ में, किसी के घर के हेल्थ में थोड़ा सा, घर के बड़ों में किसी के हेल्थ का थोड़ा टेंशन हो सकता है। तो आप क्या, आपको क्या करना है फॉर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। लकी नंबर है 3, कलर है आपके लिए सैफ्रन येलो। अपने चेहरे को ऑयल में आपको अपना चेहरा देखना है और उसमें ही आपको भजिया फ्राई करना है, भजिया, और आपको ये भजिया फ्राई करके आपको ये डोनेट करना है, दान करना है। मकर राशि कैप्रिकॉर्न 6 November to 12 November 2023। जॉब में आपके लिए विक्ट्री है, आपके लिए ट्रैवल का मौका मिल सकता है, आपके लिए व्हीकल, आप जॉब के थ्रू आपको व्हीकल मिल सकता है, आपके लिए बैलेंस है, स्टेबिलिटी है जॉब में। जहाँ भी आप जॉब में हैं बहुत अच्छा है आपका समय, जॉब में आपको सक्सेस मिल सकता है। आपके लिए जो भी आप ट्रैवल करते हैं उसमें आपको ट्रैवल की जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें आपके लिए ऑल ओवर बहुत अच्छा समय है। आपको अवार्ड या कोई रिवॉर्ड मिल सकता है अपने काम में, इसके कारण आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। तो आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने जॉब से उससे अधिक ही मिलेगा आपको। आपके लिए समय आपको इतना फेवर कर रहा है कि आपको अपने सोच से भी, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मिलेगा। आपके जॉब में अच्छा समय चल रहा है आपका। बिजनेस में आपके लिए जो आपने प्लानिंग किया था, जो आप सोच रहे हैं वैसा प्लानिंग के हिसाब से वो नहीं रहा है आपका। जो खाली प्लान करके बैठे थे आपने, आपने सोचा था कि इतना आपके लिए मुनाफा होगा, थोड़ा सा मुनाफा उतना नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ओवरऑल आपका मुनाफा मिलेगा, लेकिन उतनी जितनी आपने प्लानिंग या जितनी आपने उतनी इन्वेस्टमेंट की थी या जितना आपने सोचा था कि इसके बाद आप ऐसे कुछ प्लान करेंगे, आपके लिए थोड़ा सा स्लो चलेगा बिजनेस आपका। बिजनेस में ओवरऑल आपको थोड़ा सा किफ़ायत से आपको अपना कैसे भी करके कहाँ ना कहाँ से आपको वे आउट ढूंढ के कि इतना मुनाफा आपको मिलना ही चाहिए, आपको बिजनेस पर थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। ओवरऑल आपके लिए वीक में थोड़ा सा बिजनेस में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है कि कैसे भी आप
मुनाफा कमा ही ले। रिलेशनशिप वाइज में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक दूसरे के साथ आप नम्रता से पेश आए। कि ओवर बॉसी रहेंगे तो आप दोनों के रिश्तों में थोड़ी सी दरार आ जाएगी। तो आपको एक दूसरे के साथ जितना हो सके नम्रता से बात करना है, वाणी मीठी रख के बात करनी है, नहीं तो थोड़ी सी दरार आने का चांस हो सकता है। तो रिश्तों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और जो लव रन है, जो रिलेशनशिप में है, उनको भी अपने रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा सा अपना ओवर पावर नहीं करना है रिश्तों में। हेल्थ वाइज आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ में आपके लिए सिचुएशन अच्छी रहेगी, हेल्थ ओवरऑल आपकी अच्छी रहेगी, घर परिवार में भी सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो फॉर गुड हेल्थ एंड वेल्थ आपको क्या करना है, लकी नंबर है 3, कलर है आपके लिए सैफ्रन येलो। आपको पीले कलर के दाल का दान करना है जितना हो सके। अपने जो हमारे घर से कचरा कूड़ा उठाते हैं स्वीपर, उनको आपको दान देना है पीले कलर के दाल का। और फॉर गुड हेल्थ एंड वेल्थ, और जो भी भगवान पे आप नाम लेते हैं उनका नाम लेते रहिए, जाप करते रहिए। कुंभ राशि एक्यूरस, शनि जिनमें मार्गी हुए हैं, वक्री अवस्था में थे, अब मार्गी हुए हैं 4 नवंबर को। तो चलिए देखते हैं एक्यूरस के लिए समय कैसे रहेगा 6 नवंबर टू 12 नवंबर 2023। जॉब में आपके लिए थोड़ा सा बैटल था, हार्डशिप थी, ऐसे लग रहा था कि आप कितनी भी स्ट्रगल, आप जो भी कर रहे हैं काम उसको स्ट्रगल ही स्ट्रगल था। लेकिन अभी आपके लिए विश कार्ड है, दोनों आपके लिए फेवरेबल है कि आपका स्ट्रगल ओवर हो गया। विश कार्ड है, आपकी जो भी विशफुल थिंकिंग है, आप जो भी सोच रहे हैं आपकी वैसे ही आपका होगा जॉब में। जॉब में आपके लिए समय बहुत अच्छा है, आपकी विशफुल थिंकिंग आई है कि हर तरह से आपकी जो इच्छा थी, आपकी जो भी इच्छा थी उसकी पूर्ति होगी। आपकी जो भी इच्छा आपने रखी थी मन में, आपकी हर तरह से इच्छा आप देखेंगे कि पूर्ति होने जा रही है। हर तरह से आपको सक्सेस मिल रहा है, जैसी आपकी इच्छा थी वैसी आपकी पूर्ति होगी। अभी आपके लिए जॉब में समय बहुत अच्छा है, फेवरेबल समय है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आप चेंज चाहते थे, अगर आपको कंट्री चेंज चाहिए, जो ऐसा चाहिए था आपके लिए, जैसा इच्छा था आपका वैसा होगा। तो जॉब में आपके लिए समय बहुत अच्छा है। बिजनेस में भी आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। सो बिजनेस में भी आपके लिए नया अपॉर्चुनिटी आएगा, न्यू बिगनिंग होगी। तो आपने जो भी सोचा था बिजनेस भी आपके लिए बहुत सारे मेजर चेंजेस लेकर आएंगे। बिजनेस में भी आपके लिए आने वाले सप्ताह में आपने जो भी ऐसा सडन मेजर चेंजेस आते रहेंगे और आपके लिए ग्रोथ ही ग्रोथ आएगा आपके लिए। नो डाउट आपका ग्रोथ इसे डायरेक्ट शूटअप नहीं होगा, लेकिन स्लो ग्रोथ दिखेगा आपके लिए और वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ग्रोथ। रिलेशनशिप वाइज में भी बहुत अच्छा समय है रिलेशनशिप वाइज में आपने जो है एग्रेसिवली अपने रिलेशनशिप को, जो खास करके सिंगल ले परस्यू कर रहे थे, तो ये सभी आपके लिए देखेंगे कि रिलेशनशिप आपको सक्सेस मिल रहा है। रिलेशनशिप में मैरिड वालों के लिए रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी, और जो सिंगल है, जो मैरिज को कन्वर्ट करना चाहते हैं मैरिज में, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि शादी के लिए बात बन जाएगी, आपकी बात आपके घर परिवार में बात बन जाएगी और आप आगे आपके लिए रिश्ते के लिए आप सोच सकते हैं और शादी के लिए आप सोच सकते हैं। तो आप अगर अपने रिश्ते को नाम देना चाहते हैं शादी के लिए, तो ये बंधन में बनना चाहते हैं, तो ये भी सही समय है आपके लिए। ये भी आपके घर परिवार में बात होकर होगी और ये सबका आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा घर परिवार का। तो ओवरऑल रिश्तों में भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज भी आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी हेल्थ। अभी आपकी सब घर परिवार में पूरा ऑल ओवर आपकी खुद की हेल्थ, जो आपको अभी तक डाउन लग रही थी, तो अभी भी थोड़ी सी आपको, लेकिन ओवरऑल आपकी हेल्थ सुधार दिखेगा आपको अपने हेल्थ में। तो फॉर गुड हेल्थ एंड वेल्थ आपको क्या करना है, लकी नंबर है 1, कलर है आपके लिए ऑरेंज एंड गोल्ड। सूर्य को आपको जल अर्घ्य करना है, और जल जब अर्घ्य करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आप नीचे पौधा रखते हैं, क्योंकि वो पानी अगर ज़मीन में गिरता है तो उसके पूरा आपके लिए, तो आपको वो पौधा घर में एक पौधा रख दीजिए और उस पर आप जल अर्घ्य करेंगे तो आप पे, और गुड़ और गेहूँ जितना हो सके आप दान कर लीजिए, और खीर का आपको दान करना है, खीर पका के आपको दान करना है डेली फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। जो भी प्रभु पे आप विश्वास करते हैं उनका जाप करते रहिए, नाम लेते रहिए। मीन लगन पीशेस, देखते हैं उनके लिए समय कैसे रहेगा 6 नवंबर टू 12 नवंबर 2023।
जॉब में आपके लिए फाइनेंशियल कोई गुड न्यूज आ सकता है, जॉब में आपके लिए करियर में चेंज, करियर में प्रमोशन मिल सकता है आपको। तो मीन लगन वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, जॉब में आपके लिए करियर में ग्रोथ दिखता है। तो ग्रोथ में आपके लिए जो ग्रोथ है आपके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ रहेगा ये। बिजनेस में आपके लिए जो हार्ड वर्क है, बिजनेस में आपने जो हार्ड वर्क पुट अप किया है, जो आपने उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी बिजनेस में जो आपने हार्ड वर्क किया है, जो आपने कुछ नया ट्रेंड लेकर आया अपने बिजनेस में, कुछ नई चेंज लाए हैं, उसका आपको रिजल्ट थोड़ा स्लो मिल रहा है, लेकिन अभी आपको थोड़ा दिखने मिलेगा कि आपके लिए वो कुछ नया चेंज जो आप लाए हैं वो आपके लिए सक्सेसफुल हो रहा है, उसके लिए आपके लिए काफ़ी, तो उसका आपको अभी रिजल्ट दिखेगा आपके लिए। रिलेशनशिप वाइज में थोड़ा सा समय इमोशनल रहेगा एक दूसरे के लिए, न्यू बिगनिंग है। अगर आप सिंगल हैं तो किसके लिए वेट कर रहे हैं, तो यस मिल सकता है आपके लिए पार्टनर। और मैरिड वालों के लिए रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग रहेगी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स कह रहा है कि यस एक दूसरे के लिए लव रिलेशन बहुत अच्छा समय रहेगा। और हेल्थ वाइज आपके लिए थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान देना है, हेल्थ थोड़ी सी डाउन रहेगी, थोड़ी सी परेशानी रहेगी, थोड़ा सा थकावट रहेगा, थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ का ध्यान देना है, घर परिवार में भी हेल्थ का ध्यान देना है, थोड़ा सा हेल्थ नरम गरम चलेगा आने वाले सप्ताह में। तो आपको क्या करना है फॉर गुड हेल्थ एंड वेल्थ, लकी नंबर है 8, कलर है आपके लिए ब्लू एंड ब्लैक। आपको काली वस्तुओं का दान करना है, जैसे काला उड़द हुआ, काला कपड़ा हुआ, काला ब्लैक शूज हुआ, आपकी ये चीज़ों का दान करना है, जितना हो सके आपको ब्लैक चीज़ों का दान करना है। और डॉग्स को आपको बिस्किट दूध जो भी आपसे बन पड़ता है आपको खिलाना है फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। और जो भी भगवान पे आप विश्वास करते हैं उनका जाप करते रहिए, जितना आप जाप करेंगे उतना, और ये तो कार्तिक महीना है, जितना आप जाप करेंगे, कहते हैं ना इस महीने में जितना आपने जाप किया डायरेक्ट आपने कनेक्शन जोड़ दिया अपना ऊपर वाले के साथ। तो ये था 12 राशियों के लिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और देखिएगा शॉर्ट्स में दिवाली स्पेशल क्या क्या आ रहा है, कि धनतेरस और लक्ष्मी पूजा का। थैंक यू, धन्यवाद।